कोई भी कानून बनाना आसान तो नहीं, लेकिन उसे लागू करवाना सिस्टम के लिए चुनौती जरूर है। आज भी एक ऐसी धार्मिक संस्था है जिसने सिखों के लिए न सिर्फ कानून बनाया बल्कि कई दशकों से पूरी ताकत से उसे लागू भी करवाया है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति यानी जेल सिंह और गृह मंत्री बूटा सिंह भी जैसा सजा काट चुके हैं, और अब यानी दिसंबर 2024 में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को भी सजा काटनी पड़ी है। सवाल है, आखिर अकाल तख्त में किसी को क्यों नहीं बख्शा जाता है? आज जनसत्ता मुद्दा समझे में आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे अकाल तख्त का कानून राजा और रंग दोनों के लिए बराबर होता है। सबसे पहले अकाल तख्त क्या है इसको समझते हैं। साल 1609 में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब ने श्री अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिख धर्म में 5 तख्त हैं, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दम मदा साहिब, श्री केशवगढ़ साहिब, श्री हुजूर साहिब और श्री पटना साहिब। इन सभी अकाल तख्त में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 160 सदस्य और एग्जीक्यूटिव कमेटी के 15 सदस्य मिलकर अकाल तख्त के जथेदार को चुनते हैं, और अकाल तख्त के जथेदार का ओहदा सबसे बड़ा माना जाता है। सिख धर्म में जो भी व्यक्ति अकाल तख्त का फैसला मानने से इनकार करता है उसके लिए सिख धर्म में कोई जगह नहीं होती। वैसे अकाल तख्त की कोई कानूनी मान्यता तो नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यता सबसे ऊंची है। अकाल तख्त के पिछले कुछ किस्से आपको बताते हैं। पहले भी अकाल तख्त ने महाराणा रणजीत सिंह, पूर्व राष्ट्रपति यानी जेल सिंह और गृहमंत्री रहे बूटा सिंह जैसी शख्सियतों को सजा सुनाई है और उन्हें सजा काटनी भी पड़ी है। अकाल तख्त की ताकत आप ऐसे समझिए कि महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। ये सजा मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर सुनाई गई थी। अकाल तख्त के आदेश पर ही पूर्व राष्ट्रपति यानी जेल सिंह को भी हाजिरी होने का आदेश मिला था, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के समय बूटा सिंह राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे और यानी जेल सिंह उस समय देश के राष्ट्रपति थे। कहा जाता है तब यानी जेल सिंह ने अकाल तख्त को संदेश भिजवाया था कि वो भारत के राष्ट्रपति पद पर होने की वजह से पेश नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। हालांकि तब उनके प्रतिनिधिमंडल के जवाब से संतुष्ट होकर अकाल तख्त ने यानी जेल सिंह को माफ कर दिया। यानी जेल सिंह की विनम्रता ये थी कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वो न सिर्फ अकाल तख्त गए बल्कि माफी भी मांगी। बूटा सिंह को 1994 में अकाल तख्त ने सजा सुनाई थी। सजा के मुताबिक उन्हें 5 तख्तों में जाकर एक एक हफ्ते के लिए बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने और जूते साफ करने का काम दिया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उनके गले में माफीनामे की तख्ती भी लटकाई गई थी। और अब ये अकाल तख्त इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि पंजाब की सत्ता में रह चुके सुखबीर बादल समेत कई लोगों को सजा सुनाई गई है। इसकी वजह यह है कि सुखबीर बादल ने 2007 से लेकर 2017 तक सत्ता में रहते हुए कई विवादित फैसले लिए, जिसमें गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाना शामिल था। राम रहीम पर गुरु गोविंद सिंह जी की नकल करने का आरोप था, ये सिख धर्म के खिलाफ है। लेकिन कहा जाता है कि बादल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम से संबंध बनाए रखे। आगे बरगाड़ी बेअदबी कांड है, जिसमें 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर हुए प्रदर्शन में गोलियां चलाई गई, कई सिख युवाओं की जान चली गई, लेकिन बादल सरकार ने कुछ नहीं किया। आगे सुमेध सैनी की डीजीपी नियुक्ति का मामला है। कहा जाता है सिखों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किया गया, जिससे अकाल तख्त नाराज हुआ। बादल को सजा के तौर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेवा करने का हुक्म मिला है। बादल गुरुद्वारे के एंट्री गेट पर खड़े होकर सेवादार बनाए रहेंगे और साथ ही गले में तख्ती भी लटकी रही। पंजाब के इतने बड़े नेता को अकाल तख्त की सजा माननी पड़ी है, जिसके पीछे कई लाख समर्थकों का हुजूम है। तो इसलिए समझ सकते हैं कि अकाल तख्त की ताकत सर्वोच्च है। मुझे उम्मीद है आपको अकाल तख्त के बारे में कुछ नई जानकारियां जरूर मिली होंगी। हमारे प्रोग्राम जनसत्ता मुद्दा समझे के बारे में अपनी राय आप नीचे दिए गए पते पर भेजिएगा। फिर लौटेंगे, मेरा नाम है मनोज, जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।